हेलो दोस्तों, नमस्कार। फर्स्ट रेस 1100 मीटर्स क्लास 4 डिवीजन 3 की है और इसमें जो मुझे समझ में आ रहे हैं टॉप टू हॉर्स, जो मेरी चॉइस है वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 3। यार मुझे लगता है ये कल दो भी अपसेट में रहेंगे। हॉर्स नंबर 1 जो है फेवरेट होगा, लेकिन मुझे डिस्टेंस वाइज थोड़ा समझ में आ रहा नहीं, लेकिन कल आप लाइव में देखकर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे अपसेट में जो है 2 एंड 3 पसंद आ रहे हैं फर्स्ट रेस में। सेकेंड रेस 1400 मीटर्स क्लास 4 की है और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं टॉप टू हॉर्सेस वो है हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 9। देखो यार, हॉर्स नंबर 9 जो है लास्ट टाइम जो है बेंड पोजीशन 7 से 5th हुआ है, 200 मीटर्स मोर जा रहा है, सेम क्लास 1 kg माइनस हुआ है। ओके, एंड हॉर्स नंबर 3 जो है डिमोटी है इस क्लास का, लेकिन सेम डिस्टेंस में जा रहा है। तो आप जो है ये दो पे नज़र रख सकते हैं 3 एंड 9 सेकेंड रेस में। थर्ड रेस 1100 मीटर्स क्लास 4 डिवीजन 2 की है और इसमें जो मुझे समझ में आ रहे हैं टॉप टू हॉर्सेस वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 9। यार 9 तो देखो, ये फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये अपसेट में मेरी चॉइस है। आप कल का वीडियो भी देखे होंगे तो मैं एक घोड़ा फेवरेट और एक घोड़ा अपसेट दिया हूँ बॉम्बे में, तो ऑलमोस्ट अपसेट ही मारे, तो इसलिए मैं एक अपसेट और एक फेवरेट देता हूँ जिसको चांस बनता है। ओके ना, बाकी का लाइफ में आप देख कर डिसीशन ले सकते हैं। तो तीसरी रेस की जब बात आती है तो मुझे जो पसंद है टॉप टू हॉर्सेस वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 9। फोर्थ रेस, यार फोर्थ रेस 1100 मीटर्स क्लास 3 4 ईयर्स ओल्ड एंड अब की है और इसमें मुझे जो टॉप टू हॉर्सेस पसंद आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 8। फिर बोल रहा हूँ यार, हॉर्स नंबर 8 जो है ना, ये भी फिर अच्छे भाव में रहेगा। अगर आपको समझ में आया था तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। एंड हॉर्स नंबर 3 जो है सेम क्लास का जो है, लास्ट टाइम यार वे फेवरेट हुआ है, अक्षय ही बैठा है, तो आज शॉर्ट डिस्टेंस में घोड़ा जा रहा है तो निकलना चाहिए यार, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो फोर्थ रेस में 3 एंड 8। फिफ्थ रेस 1600 मीटर्स क्लास 3 की है और इसमें जो घोड़े मुझे समझ में आ रहे हैं जो टॉप टू है वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 6। यार हॉर्स नंबर 6 इसलिए दे रहा हूँ कि सेम डिस्टेंस लास्ट टाइम फेवरेट था, तो जॉगी को भी रिपीट किया है ट्रेनर ने, विवेक को ही बिठाया है, तो 6 पे नजर रख सकते हैं। एंड हॉर्स नंबर 1 यार देखो, 1400 मीटर्स मार कर जो है प्रमोशन में जाकर इस क्लास का टॉपर बन चुका है, 17th प्लेस रेटिंग दे रहे हैं, 1.5 माइनस वेट जा रहा है, प्रमोशन की वजह से 200 मीटर ज़्यादा जाना घोड़े को है, तो घोड़ा जो है 200 मीटर जाता या नहीं जाता अपने वो कल पता चलेगा, लेकिन घोड़े में तो दम है और जॉगी भी रिपीट हो रहा है। तो फिफ्थ रेस में 1 एंड 6 यार सिक्स रेस 1400 मीटर्स क्लास 1 की है और इसमें यार सिर्फ 5 घोड़े हैं, लेकिन 5 घोड़े हैं लेकिन बड़े तकलीफ देह घोड़े हैं। तो मुझे लगता है यार ये जो SS अतुल्ला जो 2 घोड़े डाला है 1 एंड 2, तो ये दोनों में ही ये ट्राई करेगा, तो आप ये 1 एंड 2 को नज़र रखना। हॉर्स नंबर 1 जो है यार इसी ये तो लास्ट टाइम लेम हुआ था, तो ये अपसेट में बनता है, तो कल डिसीजन लिया जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो आप 1 एंड 2 पे ज़रूर नज़र रखना सिक्स रेस में। और सेवन्थ रेस 1400 मीटर्स क्लास 4 4 ईयर्स ओल्ड एंड अब की है और इसमें मुझे जो पसंद है टॉप टू हॉर्सेस वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 4। देखो यार, हॉर्स नंबर 4 लास्ट टाइम 20 का भाव था, नो व्हिप जॉकी को बिठाया इरफान कटाला। इरफान कटाला इज अ गैम्बलर, गैम्बलर बोल नहीं सकते यार, ट्रेनर को उनका पेट है तो वो भी छुपाना पड़ता है घोड़े को, सही है ना। तो लास्ट टाइम नो व्हिप जॉकी को बिठाया, घोड़ा हैंग आउट हुआ है, आज 200 मीटर ज़्यादा जा रहा है तो जॉकी को चेंज किया है, तो मुझे लगता है यार ये अपसेट में ट्राई करने वाला घोड़ा है, आप ज़रूर नज़र रखना 7th रेस में 4 पे। एंड हॉर्स नंबर 1 देखो, यहाँ अक्षय को निकाल कर वायस श्रीनाथ को बिठाया है, हेवी जॉकी को बिठाया है, क्योंकि घोड़ा टॉप में आ रहा है, 60.5 kg में आ रहा, तो हेवी जॉकी को बिठाना
अच्छी बात है, तो आप सेवेंथ रेस में 1 एंड 4 पे नज़र रख सकते हैं यार। एट्थ रेस आज की लास्ट रेस 1100 मीटर्स क्लास 4 डिवीजन 1 की है, और इसमें मुझे जो घोड़े समझ में आ रहे हैं टॉप 2 हॉर्सेस वो है हॉर्स नंबर 5 एंड हॉर्स नंबर 7। फिर यार और एक अपसेट है, हॉर्स नंबर 7 जो है कल देख लेना आप, क्योंकि देखो यार कल कल इसलिए कहता हूँ कि मैं एक दिन पहले वीडियो बनाता हूँ, तो एक दिन में बहुत फ़र्क होता है रेसिंग फील्ड में, क्योंकि आफ्टर पेडक के बाद रेसिंग खेला जाता है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लाइव देख लेना एक बार। ओके, तो जो 8th रेस में जो 7th की बात है यार, ये 7th जो घोड़ा है ना ये अपसेट में बनता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का ही घोड़ा है। ओके, एंड हॉर्स नंबर 5 जो है, यहाँ जॉगी को चेंज किया है, अक्षय को बिठाया है, ट्रेनर ने अच्छे जॉगी को बिठाया है, तो ये ट्राई करेगा, तो मुझे लगता है यार लास्ट रेस जो है 5 एंड 7 पे आप नज़र रख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।